किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल ने किसानों नाल बैठक की। उन्होंने मीडिया नाल गलबात करते कहा कि किसान जथेबंदियां विधानसभा चोणां लड़न की कुछ नेता उन्हां नूं लालच है भी कुर्सी मिल जाए MLA का इलैक्शन लड़िए, लेकिन इस दे लड़न नाल किसानों का नुकसान होना है और उन्हां का जिहड़े लीडर इलैक्शन लड़ेंगे उनका वजूद भी खत्म हो जाना है। इसलिए किसान जथेबंदियां एकजुट SKM जिहड़े बनाया सी वो इसलिए सी भी किसानों के हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों नूं एकजुट रहना चाहिए तो ही असी कुछ हासिल कर सकते हैं। जे कर्जे माफ़ कराने हैं तो भी सानू इकट्ठे रहना पड़ेगा, MSP लेनी है तो भी इकट्ठे रहना पड़ेगा। विधानसभा का MLA कोई सानू MSP नहीं दिलवा सकता, इसलिए किसानों नूं एकजुट रहना चाहिए। और जिहड़े किसान नेता चुनाव लड़न की सोच रहे हैं उन्होंने नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो वो खत्म हो जाएंगे। देखो जी, बड़ा रौला पिया होया साडे मोर्चे दे विचों कुछ जथेबंदियां ने जिहड़ियां उन्हां दीआं लाड़ां डिगण लग गईआं ते वह किसान जथेबंदियां इलैक्शन का मूड बना रही ने। कुछ इन चो जिहड़ियां छोटिया छोटिया जथेबंदियां ने वह उन्हां दा जी करदा कि असीं भी हुण मंत्री मंडल चाहिए। अज 3:30 बजे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस हो रही चंडीगढ़ च, उस पता लगेगा कि कहड़ियां जथेबंदियां ने उधर नूं जा रही ने। लेकिन साड़ी क्रांतिकारी किसान यूनियन का ऐलान है कि असीं अपना अंदोलन का रस्ता अपना के रखांगे, क्योंकि अंदोलन तो बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर 3 कानून वापस होए ने अंदोलन नाल होए ने, अगर MSP मिलेगी कर्जा तो लीक वजूगी अंदोलन नाल वजूगी। असैम्बली हल्के तो चाहे कोई सतराणे चो जित के चले जाए, चाहे समाणे चो, चाहे पटियाले तो, वह MLA जाके MSP नहीं दवा सकता, ना वो साढ़े कर्जे के उत्ते लीक मरवा सकते हैं। इस करके जिहड़ियां जथेबंदियां इलैक्शन दे वल मूँह कर रही ने, मेरी तो अपील है कि लोग उन्हां ते प्रैशर पाउण कि अपने संयुक्त किसान मोर्चे नूं एकजुट रखो। देश के लोगों ने जिहड़ी जिम्मेवारी लाई है साढ़े ते कि MSP ते कर्जे की लड़ाई लड़ो, वो लड़ाई अगे असी लड़ सकीए। किसान यूनियन होर बहुत सारिया सहयोगी जथेबंदियों नाल मिल के तय किया कि असी इलैक्शन नहीं असी अंदोलन करांगे। वो देखो उन्होंने खेड खेड लैन दो, लेकिन मेरे तो यह लिखा लो कि जेडे इलैक्शन की खेड से जाएंगे ना वो किसान लीडर रहेंगे, ना अंदोलनकारी रहेंगे, ना ही वो सियासत दे विच कुछ दखल दे सकेंगे। मेरे मुताबिक होंद थले चली जाऊगी, अर्श तो फर्श से आएंगे। ये मीटिंग दी अज असी 2 मसलों पर रखी है। एक तो पूरे पंजाब दे विच बहुत सारे किसान वो ने जिन्होंने जमीन आबाद कीतियां ने, और पटियाले जिले दे विच पंचायती जमीना नूं आबाद करन वाले सैकड़े पिंडां दे हज़ारां लोग ने। हर साल उन्हां दे सिर गले ते तलवार लटकदी है कि उन्हां नूं बेदखल किया जाऊगा। इस तरह डेरियां दीआं जमीना दे बहुत सारे लोग ने जिन्हां ने डेरियां दीआं जमीना आबाद कीतियां ने, जंगलाती जमीना ने, बार्डर एरिया ने, कंढी एरिया जिथे लोगों ने जमीन आबाद कीतियां ने, इस तरह दराई कन्या दीआं जमीना ने जो आबाद कीतियां ने, वो आबाद कर किसानों का मसला पिछले परसों पंजाब सरकार नाल असी उठाया सी। 27 तरीक नूं पंजाब सरकार ने सानू मीटिंग दिती है इस मसले पर। इस करके असी वो मसले नूं डिस्कस करन लई ते इहदा हल लभण वास्ते इत्थे किसान वख-वख पिंडां दे आए ने, सब दे विचार लवांगे इहदा की हल हो सकदा। क्योंकि कैमरामैन BK ग्रग दे नाल पुरशोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।